विराट कोहली और गौतम गंभीर में हो गई मारपीट, जिससे पूरे स्टेडियम में मच गई खलबली। बीसीसीआई ने भी ठुका 11 करोड़ का जुर्माना। इधर सुमन गिल की बहन की बोल्ड फोटो हो गई सोशल मीडिया पर वायरल, जिससे खड़ा हो गया एक और हंगामा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल लखनऊ और आरसीबी के बीच जोरदार मुकाबला हुआ, जहां आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इसके बाद टीम ने 9 विकेट गंवाकर 126 रन ही बनाए। बेंगलुरु के लिए कप्तान डु प्लेसिस ने 40 गेंदों पर सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। इसके अलावा विराट कोहली ने 31 रनों की पारी खेली, जबकि दिनेश कार्तिक ने 16 रन बनाए। लखनऊ के लिए नबील उल हक ने 3 विकेट लिए, जबकि अमित मिश्रा और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट झटके। लखनऊ के सामने 127 रनों का टारगेट था। उनके कप्तान केएल राहुल चोटिल होकर फील्डिंग के दौरान ही बाहर हो गए थे। वो सबसे आखिर में बैटिंग करने आए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। ऐसे में लखनऊ की टीम 108 रनों पर ही सिमट गई। लखनऊ की टीम के कृष्णप्पा गौतम ने सबसे ज्यादा 23 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 के आंकड़ों को पार नहीं कर सका। बेंगलुरु के लिए करण शर्मा और जोश हेजलवुड ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, ग्लेन मैक्सवेल और बनेंदु हंसरंगा को 1-1 सफलता मिली। इस तरह से लखनऊ की टीम आरसीबी से 19 रनों के अंतर से हार गई। इस दौरान विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई, या बहस इतनी तिखी हुई कि बाकी खिलाड़ी और स्टाफ को बीच बचाव के लिए आना पड़ा। लखनऊ टीम के अमित मिश्रा और बेंगलुरु टीम के फाफ डु प्लेसिस भी बचाव के लिए आए। कोहली और गंभीर के बीच आईपीएल 2013 सीजन में भी जमकर लड़ाई हुई थी। तब गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे, मगर इस बार वो लखनऊ की टीम के मेंटर है, जबकि कोहली बेंगलुरु टीम के पूर्व कप्तान है। इधर सुमन गिल की बहन सहनील की बोल्ड फोटो सोशल मीडिया पर किसी ने वायरल कर दी, जिसे चारों तरफ हंगामा हो गया। सुमन गिल भी इससे बहुत नाराज हो गए हैं। वैसे आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।